आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 49वें निरंकारी संत समागम का विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। निरंकारी मंडल के कार्यकारिणी सदस्य श्री नरेंद्र सिंह जी ने ग्राउंड सेवा का विधिवत उद्घाटन मैदान पर फावड़ा चलाकर किया। नवी मुंबई के खारगर सेक्टर 28 एवं 29 में स्थित विशाल सिडको मैदान में यह उद्घाटन समारोह सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में समागम के सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, रायगढ़, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एवं महाराष्ट्र के कई और जिलों से हजारों निरंकारी भक्त इस समारोह में शामिल थे। आने वाले 22, 23 एवं 24 जनवरी 2016 के दिन आध्यात्मिक मिलन का यह विशाल समारोह संपन्न होगा और साथ ही साथ 25 जनवरी को इस समागम स्थल पर 100 से भी अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया जाएगा। खारघर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रशांत ठाकुर ने भी इस समारोह के उद्घाटन में भाग लिया एवं मानवता के लिए किए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना की। मौजूद है इस वक्त महाराष्ट्र खारघर के नवी मुंबई सिडको ग्राउंड पे, जहां पर 39वां निरंकारी महाराष्ट्र संत समागम का विधिवत उद्घाटन किया जा चुका है। यहां के जो संयोजक है वो मेरे साथ मौजूद है। जानते हैं महाराष्ट्र की क्या रूपरेखा है, क्या कुल तैयारियां हैं और महाराष्ट्र सहित क्या पूरे विश्व से लोग यहां पे कितने संख्या में लोग आने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस विशेष मुहिम जो आपने समाज के लिए की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियाँ महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र को खास करके देखिए, ये 49वां समागम हम जो करने जा रहे हैं और ये मानवता के प्रति समर्पित होता है, जो मानव मात्र को एकत्रित करने का। दुनिया में हम देखते हैं दीवारें खड़ी हैं, रंग की, भाषा की, जाति की, मजहब की, अनेकों दीवारें, प्रांतवाद की, भाषावाद की, ये दीवारें तोड़कर इंसान इंसान बनकर प्यार से एक दूसरे के साथ मिलना सीखे और एक पूरी धरती ऐसा एक स्वर्ग का नज़ारा धरती पर बने, यही चाहना रखते हुए ऐसे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है। क्या विश्व स्तर पर लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर महाराष्ट्र के अलावा भारत स्तर पे भी और विश्व के कोने कोने से, मतलब इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ ईस्ट कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से, लगभग सब जगह से अपना रिप्रेजेंटेशन लेके, प्रतिनिधित्व करके यहाँ से ये भाविक हैं, यहाँ के बाबा जी के फॉलोअर्स हैं, वो आते हैं। 22, 23, 24, 25 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें सामूहिक शादियाँ भी है, जिसमें इस कल्चरल प्रोग्राम भी है और 3 दिन का मुख्य प्रोग्राम प्रवचन के सदगुरु बाबा जी का जो रखा गया 22, 23 और 24 जनवरी 2016 का। यानी कि कुल मिला के समाज को कहना कि जोड़ने का काम जो है निरंकारी मिशन करता चला आ रहा है, करने की कवायद जो है पूरी शुरू की जा सकी है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं, जानते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में इतना बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है जहाँ पे लाखों लोग आपके इस विधायक के क्षेत्र में आएंगे, ऐसे मद्देनजर आप यहाँ पे उद्घाटन के तौर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सही मायने में अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे किसी बहुत ही बड़े सामाजिक कार्य से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ कि एक जो लीनता की, नम्रता की भावना निरंकारी संत समागम में है कि हर कोई एक दूसरे के पैर छूता है, हर कोई एक दूसरे के प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता है, ये कृतज्ञता उस व्यक्ति के अस्तित्व के प्रति है और उस अस्तित्व में होने वाले भगवान के अंश के रूप में सब लोगों को एक साथ एक विचारधारा के बीच में लाने की कोशिश करता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और फिर उसके माध्यम से होने वाले काम, उसके बारे में तो क्या कहना। वाले लोगों के साथ साथ निरंकारी मिशन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? जो भी लोग, भाविक लोग या जिज्ञासु लोग निरंकारी मिशन से जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद उनसे ही अगर पूछा जाए तो उनके जीवन में जो तमाम तरह के बंधन पड़े हुए थे, जो तमाम तरह के ऐसे चीज़ों से घिरे हुए थे जिसको निंदा कहते हैं, नफरत कहते हैं, जिनको वैर, जो देश और राज्य की सीमाओं से बंधे हुए थे, वो बंधन मुक्त होते हुए अपने आप में सुख अनुभव कर रहे हैं, तो मैसेज तो ये दिया जाएगा कि जैसे वो लोग इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, एक सुखी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक बिल्कुल आसानी से जी रहे हैं, वैसे अन्य लोग भी उनका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को इस तरह से निरंकारी बाबा के साथ बंध करके अपने जीवन को व्यतीत करें।